तो आज हम पहुंच गए अजमेर के सेवन वंडर्स पार्क के अंदर। यहाँ सबसे पहले मैं दिखाई देता है एफिल टावर, जो आप जानते हैं पेरिस फ्रांस में है, और ये रेप्लिका है 30 मीटर की हाइट का। वैसे ओरिजिनल हाइट जो है वो 330 मीटर है, और ये काफ़ी अच्छा लुक देता है नाइट को। ब्लू लाइट से ये बिल्कुल नहाया हुआ, जगमगाता हुआ, लेकिन डे के अंदर बहुत ही रस्टी एंड रफ इसका जो व्यू आता है, लेकिन नाइट को ये आई कैचिंग पॉइंट यही है, सेंश्योर ऑफ द पार्क। सेकेंड हम पहुंचे कॉलिजियम की तरफ, जो रोम इटली के अंदर है। 72 ईस्वी सन के अंदर स्टार्ट हुआ था और 80 के अंदर कंप्लीट हुआ, जिसकी लेंथ 15 मीटर एंड विड्थ जो है 12 मीटर है। तो यहाँ पर काफ़ी एक अच्छा ब्रॉड व्यू यहाँ पर क्रिएट ये कर रहा है। इसके बाद जो पहुंचे क्राइस्ट रिडीमर की तरफ, जो रियो डी जेनेरियो के अंदर है। इसका कंस्ट्रक्शन 1931 के अंदर हुआ। 2.5 मीटर की रेप्लिका यहाँ दी हुई है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है, 1886 के अंदर बनी थी, यहाँ रेप्लिका 5 मीटर की शो की हुई है। ये वहाँ पर पानी के बीच में बिल्कुल ऐसे लिबर्टी को प्रेजेंट करती हुई एक स्टैचू दी हुई है। इसके बाद मिस्र का पिरामिड जो हम देखते हैं, जो गीज़ा मिस्र के अंदर है, जिसकी जो रेप्लिका यहाँ प्रेजेंट की है, 12 मीटर इसकी लेंथ है एंड विड्थ 7 मीटर है। तो देख पा रहे हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन जल्दबाजी के अंदर बहुत ही ख़राब किया हुआ है, तो बिल्कुल भी अच्छा इंप्रेशन इससे नहीं पड़ रहा। इसके बाद पहुंचे पीसा की झुकी मीनार की तरफ, जो पीसा इटली के अंदर है। 1173 के अंदर स्टार्ट हुआ था और 200 साल इसको कंस्ट्रक्ट होने में लग गए ड्यू टू वॉर्स। इसकी जो हाइट है वो यहाँ पर रेप्लिका की 18 मीटर्स दी हुई है। तो देखना ये है कि कितने दिन टिकती है, क्योंकि वास्तव में झुकी हुई है। और इसके बाद यहाँ कुछ बच्चे इंजॉय करते हुए भी देख लिए। और यहाँ पर लास्ट में जो हमें दिखाई देता है सेवन वंडर्स में, हमारा ताजमहल, जो कि बिल्कुल पार्क के सेंटर में बनाया हुआ है। इसकी दोनों तरफ यहाँ पर बाकी जो थ्री वंडर्स एक साइड में और थ्री वंडर्स दूसरी साइड में यहाँ प्रेजेंट किए हुए हैं। तो काफ़ी एक अच्छा यहाँ पर सेंटर व्यू जो है ताजमहल को यहाँ पर मिला हुआ है। तो ताजमहल की अगर बात करें तो ये काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ पर मिल रहा है। हम जानते हैं कि ताजमहल यमुना नदी के किनारे बसा हुआ यूपी के अंदर है। 1631 से स्टार्ट हुआ, 1653 में कंप्लीट हुआ। यहाँ पर मुगल एम्परर, फिफ्थ एम्परर शाहजहां ने अपनी सबसे फेवरेट वाइफ मुमताज़ महल के लिए ये बनाया था। और यहाँ पर इसकी ओरिजिनल हाइट जो है 73 मीटर है, इसकी आइडिया नहीं है। इसके जो आर्किटेक्ट थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। इस कंस्ट्रक्शन के कौन है वो हम नहीं जानते। और ये था हमारा सेवन वंडर्स, कोटा के बाद सेकंड इन अजमेर। थैंक यू।